लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, लूट की दो वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 24 घंटे में 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की वर्दी पहनकर किसी लूट की वारदात नाका बीकेटी इलाकों में व्यापारियों से हुई थी लूट। टीम को 25,000 का इनाम देने की डीजीपी ने घोषणा की है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, लूट की दो वारदातों का पुलिस से खुलासा किया है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में चूंकि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरी घटनाक्रम का जो है उसका खुलासा किया, इसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। और चूंकि लगातार ये जो गैंग था ये लखनऊ में दो बड़ी वारदातों को अंजाम दे रखा था, जिसके बाद इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए बाकायदा टीमें गठित की गई थी, और उसी के चलते फिलहाल जो है दोनों जो मेंबर्स थे, जो गैंग के 7 लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया। और नाका और बिकेटी थाना की ये पूरी घटना थी, जहां पर इन लोगों ने जो है पुलिस की वर्दी में पूरा गैंग ने जो है लूट की वारदात का अंजाम दिया था व्यापारियों से। और उसके बाद फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मौके से ही 23,55,000 रुपए की जो धनराशि है वो बरामद कर ली है, और जिसको लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से 25,000 रुपए पुलिस की टीम को जो है इनाम देने की घोषणा कर दी गई है।